दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर आज इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का प्रदर्शन है। आप सांसद संजय सिंह के मुताबिक जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस सपा टीएमसी सहित वाम दलों का समर्थन है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के कथित खराब स्वास्थ्य के मद्देनजर रिहाई की मांग। पंजाब के मोहाली में करेंगे विरोध प्रदर्शन। गुजरात में आप कार्यकर्ता निकालेंगे पदयात्रा। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे पर सड़क से संसद तक हंगामा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डिविजनल कमिश्नर को तलब किया। उपराज्यपाल ने मृत छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। दिल्ली के राजेंद्र नगर हादसे के बाद कई राज्य सरकारों ने भी कोचिंग संस्थानों को लेकर उठाया बड़ा कदम। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश सरकार ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा मानकों के जांच के आदेश दिए। दिल्ली राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे के खिलाफ बीजेपी का आज दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में राजघाट पर सुबह 10 बजे प्रदर्शन। दिल्ली के विज्ञान भवन में सीआईआई सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम में देश के प्रमुख उद्योगपति, आर्थिक विशेषज्ञ सहित शासकीय अधिकारी और केंद्रीय मंत्री करेंगे शिरकत। यूपी में योगी सरकार ने लव जिहाद को लेकर और सख्त कर दिया है कानून। अवैध धन परिवर्तन कराने पर उम्र कैद की होगी सजा। राज्य विधानसभा में नए कानून से जुड़ा विधेयक पेश। पहले 1-10 साल तक सजा का प्रावधान था। यूपी में योगी सरकार आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे अनुपूरक बजट। युवा, किसान और महिला को मिल सकती है नई सौगात। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में गिरफ्तार। विभव कुमार की आज कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस आज दिल्ली सीएम केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव के खिलाफ पेश करेगी चार्जशीट। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों पर सुनवाई है। सियासी दलों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई है। 3 तलाक कानून और समलैंगिकों के रक्त दान पर लगी रोक के खिलाफ याचिका पर भी आई सुनवाई। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित। गृह मंत्रालय ने बनाई जांच कमेटी। 30 दिनों में कमेटी सौंपेगी जांच रिपोर्ट। दिल्ली में 3 छात्रों की मौत के बाद जागा नगर निगम। 2 इंजीनियर पर गिरी गाज। स्थानीय जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया गया तो वहीं असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना के बाद एक्शन में एमसीडी। नई कई नामी कोचिंग संस्थान सहित कुल 19 संस्थानों पर कार्रवाई। अवैध निर्माण और अतिक्रमण गिराए गए। दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे में गिरफ्तार 5 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। पेशी के बाद 30 तारीख कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। रविवार को कोचिंग मालिक सहित 2 की हुई थी गिरफ्तारी। अब तक 7 अरेस्ट। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। सोमवार को भी राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्र दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने राजेंद्र नगर घटना को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखा पत्र। कहा कि मुख्य सचिव से अब तक मुझे नहीं मिला कोई आधिकारिक रिपोर्ट। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के प्रमुख सचिव आशीष कुंद्रा को दी चेतावनी। भारद्वाज ने कहा कि झूठी खबर फैलाने में माहिर आशीष कुंद्रा के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। संसद में भी सोमवार को छाया रहा राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर का मुद्दा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने इसे आम आदमी पार्टी की लापरवाही करार दिया। उन्होंने कहा कि आप सरकार की आपराधिक लापरवाही के चलते 3 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी हादसे पर आप सरकार को घेरा और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में यूपीएससी के 3 अभ्यर्थियों की मौत की घटना पर राज्यसभा में कहा कि लापरवाही से हुई मौत, जब जवाबदेही तय होगी तभी समाधान निकलेगा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोचिंग एक फलता फूलता उद्योग बन गया है। कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन पर खर्चे की जांच की जानी चाहिए। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन भी चलाया गया। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी कमिश्नर हटाने की मांग की। एमसीडी के आरोपी अधिकारियों को भी हटाने की मांग की। सपा सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत। अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 साल की सजा रद्द की। ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी की याचिका खारिज। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दाखिल ईडी की याचिका खारिज हुई है। सीबीआई मामले में केजरीवाल पर सुनवाई पूरी। नियमित जमानत को लेकर सुनवाई पूरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। राहुल गांधी ने महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु की मौत का जिक्र कर तंज कसा। कहा कि चक्रव्यूह में देश को फंसाया गया है।
राहुल गांधी ने कहा कि बजट में जाति जनगणना की बात नहीं हुई है। 20 अफसरों ने बजट तैयार किया, हमारी सरकार आएगी तो जाति जनगणना होगी। बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बजट में इंटर्नशिप एक मजाक है, 10 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है। राहुल गांधी के जाति जनगणना की मांग पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कटाक्ष किया, कहा कि इंडिया गठबंधन शासित राज्य हिमाचल, तेलंगाना, पंजाब और पश्चिम बंगाल जातिगत जनगणना क्यों नहीं कर रहे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर किया तीखा वार, राज्य में जाति विशेष के अधिकारियों को तरजीह देने के आरोप का दिया जवाब, कहा कि अखिलेश का पीडीएस सिर्फ जुबानी ढकोसला और छलावा है। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर यूपी में सियासत तेज हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य और मायावती ने अखिलेश यादव को घेरा, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस के मोहरा हैं सपा, बहादुर नेता प्रतिपक्ष चुनते ही असलियत सामने आने से सपा में पीडीए 40 पढ़ने वाले पिछड़े दलितों के समर्थन से चुनकर आए नेताओं में मायूसी है। शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर किया पलटवार, बोले योगी जी ने मौर्य को झुंझुना पकड़ा दिया। बता दें कि यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। बीएसपी प्रमुख मायावती से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर करारा वाद किया है। मायावती ने एक्स पोस्ट में लिखा कि सपा में पीडीए के लिए कोई जगह नहीं, सावधान रहें। 31 जुलाई को होगी कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, सोनिया गांधी करेंगी अध्यक्षता और सुबह 10 बजे मीटिंग शुरू होगी। मशहूर यूट्यूबर और ओटीटी बिग बॉस स्पिनर एल्विश यादव से स्नेक वेनम केस में आज फिर पूछताछ। पिछले मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने एल्विश से 7 घंटे की पूछताछ की। हरिद्वार में कांवड़ियों पर आज उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा करेंगे। मुख्यमंत्री धामी कांवड़ियों का चरण वंदन भी करेंगे और अब तक 1.5 करोड़ कांवड़िए जल लेकर हरिद्वार से हो चुके हैं रवाना। यूपी के प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर का आज से शुरू होगा निर्माण कार्य। कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर प्रवेश के होंगे 6 द्वार, दिसंबर तक पूरा होगा पहला चरण। फिलहाल प्राचीन मंदिर के 2 प्रवेश द्वार है। पंजाब के अमृतसर के गोल्डन टेंपल में धूमधाम से मनाई गई सिखों के आठवें गुरु हरकिशन साहिब की जयंती। स्वर्ण मंदिर में आतिशबाजी और दीपमाला जलाई गई। गुजरात के डांग जिले के सापुतारा शहर में रविवार से शुरू होगा मेघा मल्हार। गुजरात पर्यटन मंत्रालय ने मॉनसून महोत्सव मेघा मल्हार 2024 का किया आयोजन। पेरिस ओलंपिक में टेबल टेनिस में भारत की उम्मीद बरकरार है। महिला वर्ग में मोनिका बत्रा तीसरे दौर में पहुंची हैं। मोनिका बत्रा ने फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी को 4-0 से दी करारी शिकस्त। पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में भारत को आज एक और पदक की उम्मीद है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित युगल में कांस्य पदक के लिए निशाना लगाएंगे। शूटिंग के ट्रैक विमेंस क्वालिफिकेशन मुकाबले में भारत की श्रेयसी सिंह और राजेश्वरी कुमारी लेंगी हिस्सा। बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह देश की पहली विधायक हैं जो ओलंपिक खेलों में प्रदर्शन करेंगी। पेरिस ओलंपिक के पुरुष हॉकी में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। अगले राउंड में पहुंचने के लिए भारत को आज का मैच हर हाल में जीतना होगा। भारत ने अर्जेंटीना से मुकाबला ड्रॉ खेला था। पेरिस ओलंपिक के चौथे दिन भारतीय खिलाड़ी तीरंदाज, बॉक्सिंग, बैडमिंटन में भी दमखम दिखाएंगे।